डॉक्टर अहमद जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस के लिए दूसरे शहर जा रहे थे, जिसमें उन्हें मेडिकल रिसर्च के लिए अवार्ड से सम्मानित भी करने वाले थे। बहुत खुश थे और पहुंचने के लिए एक्साइटेड भी। इतने समय से मेहनत कर रहे थे, उसके लिए शाबाशी जो मिलने वाली थी। प्लेन के टेक ऑफ के बाद इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, और डॉक्टर अहमद को पता चला कि उनके पास और कोई चारा भी नहीं है। टाइम से पहुंचने उन्हें बाय रोड खुद चला के जाना होगा। 4 घंटे का सफर 2 घंटे चल पाए थे और रास्ता धुंधला, जोरों की बारिश, मौसम चेंज, एक गलत टर्न और अब आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। भूख के मारे हालत बहुत बुरी थी और खाने की तलाश में एक घर तक पहुंचे, जहां एक सुंदर महिला ने घर का दरवाजा खोला, उन्हें अंदर बुलाया और खाने को चाय ये सब दिया। महिला खुद अपनी प्रार्थना पूजा में बैठ गई। फिर उसका चेहरा देखकर डॉक्टर अहमद को बहुत दया आई। पूछा, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? वो बोली, मेरी मदद सिर्फ ऊपर वाला ही करेगा। 2 साल का बच्चा झोले में सोया हुआ था, बोली, मेरा ये बेटा बहुत ही अलग प्रकार के कैंसर से जूझ रहा है। लोग कहते हैं कि एक डॉक्टर अहमद ही हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं, जो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। इतना सुनते ही डॉक्टर अहमद की आंखें भर आई। वो आंसुओं के साथ बोले, मेरे प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, मेरा रास्ता भटक जाना, मेरा आपके घर तक मदद के लिए आना, सब ऊपर वाले की वजह से हुआ है। उसने ही तो भेजा है। आपके दिल की प्रार्थना खुद उसी ने सुनी है। मैं ही डॉक्टर अहमद आपके बच्चे को मेरे हवाले कर दे। तभी कहते हैं, ऊपर वाले से मांगो, विश्वास रखो, पाओ और वापस दो किसी और की मदद करके। 94.3 MyFM और अर्चना की ओर से सिर्फ इतना ही, वो सुनता है और देता है। विश्वास रखेंगे तो होगा, प्रेशर में आकर हम और आप टूट जाएंगे तो कैसे होगा? हार को भी कह दो कि हारा नहीं हूं, अभी तक जिंदा हूं मैं। अर्चना नी साथ है। सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, हम दवा दाखू मारू छे। अर्चना की ओर से गुड मॉर्निंग एंड